मैं सभी नेताओं को मटियाला विधानसभा के 7 कौंसलर और एमएलए को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि बल्लू पहलवान एक बात कभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अपने क्षेत्र में, जो गंदा पानी नाले का 6 महीने से प्रेम विहार के क्षेत्रवासी पी रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मटियाला विधानसभा नंगली वार्ड प्रेम विहार गली नंबर 15 की है, जहां जीएनएन की टीम द्वारा पानी के निकास की समस्या के बारे में पिछले दिनों एक खबर की गई थी। बताया गया था कि बदबू वाला पानी पीने को मजबूर हैं यहां के लोग। जनता की समस्या सुनकर नेताजी तो नहीं आए, लेकिन पास ही के एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी पत्नी राजो देवी और अन्य साथियों के साथ पहुँचे और लोगों की परेशानी को देख कर समाधान करने के लिए खुद ही लेबर लगा कर काम को करवाना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के नंगली बाड क्षेत्र में, जो प्रेम विहार है गली नंबर 15। दोस्तों, बड़ी विडंबना है और बड़ा दुख भी होता है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं आपको बता दूँ कि ये मोटरसाइकिल की दुकान है। यहाँ हमने अपनी मोटरसाइकिल सही कराने के लिए दी थी तो यहाँ धूप सेक रहे थे हम। उधर से जल बोर्ड वाले आए, जिनको इस गली वालों ने और ये हमारे अंकल जी इन्होंने पकड़ लिया और उनसे कहा कि भैया हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं और हम बदबू वाला पानी पी रहे हैं, ये सीवर का निकास नहीं मिल रहा है, इस नाले में नाले को दिखाइए। जब इन सारी बातों को हमने सुना तो हम खड़े हुए और हमने जल बोर्ड वालों से कहा कि भैया जब ये काम आपका नहीं है तो किसका है। उन्होंने कहा एमसीडी का काम है। एमसीडी का नाम सुनकर हम आपको बता दें कि संतोष एक मैडम हैं जो यहाँ से निगम पार्षद हैं कांग्रेस की, तो संतोष सुखबीर जो उनके पति हैं उनके पास हमने फ़ोन किया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, ये जल बोर्ड वालों का है। हमने उनकी बात जल बोर्ड वालों से कराई और उसके बाद फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस काम को मैं कर दूंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आए काम करने के लिए। उसके बाद हम पहुँचे जनाधार नेशनल पार्टी, जो आज की डेट में 22 के चुनाव में सबसे आगे बढ़ रही है दिल्ली क्षेत्र में। वहाँ पर उपाध्यक्ष बल्लू पहलवान सूरज भान से हम मिले, उनको हमने यहाँ के दर्द को बयां किया तो उन्होंने कहा कि ओमपाल जी आप यहाँ आए हैं तो ये काम हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद से उन्होंने, ये भाई हैं मनदीप उनके कार्यकर्ता, उन्होंने इनको भेजा, ये यहाँ का मुआयना करने आए। उसके बाद उन्होंने PWD के JEE को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको भी यहाँ बुलाया और आज की डेट में उन्होंने मज़दूर भेजकर यहाँ काम चालू कर दिया है। आप देख रहे हैं मज़दूर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कोशिश की जा रही है कि इनको, इन गली वालों को ये गंदे पानी पीने से निजात मिल सके, इसके लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ वही अंकल जी हैं जो उस दिन बात कर रहे थे, आज उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है अंकल के 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ मुहिम चालू है और इस काम को करने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अंकल, हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप रोज़ सेवा कर रहे हैं हम लोग को पानी के निकास करने के लिए। हम लोग 8 महीना से गंदा पानी पी रहा हूँ, अभी मैं ठेकेदार के पास भेजा, टेलीफोन किया था, ठेकेदार बोला कि 1 घंटा में भेजूंगा। अंकल, आप बहुत समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, आपने सारी दुनिया को देखा है, यहाँ पर रहते हैं काफ़ी समय से, पिछले 6 महीने से बताया था आपने कि परेशानी चल रही है। सोचने वाली बात है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, MCD में जो निगम पार्षद हैं, विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी से गुलाब सिंह जी, वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आकर। जो नई पार्टी है जनाधार नेशनल पार्टी, उनके उपाध्यक्ष सूरज भान जब इस काम को करवा रहे हैं तो कैसा लगता है, क्या कहते हैं हम उनके लिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, अच्छा से हम लोग साथ में हैं, हम उनके साथ में हूँ। बल्लू भाई के साथ हैं आप? बल्लू भाई के साथ है जी। तो आप देख रहे हैं कि बल्लू भाई का नाम भी यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बल्लू भाई तन मन धन से, जबकि वो सत्ता में नहीं है, वो किसी सीट पर नहीं बैठे हुए हैं और बिना स्वार्थ के वो सभी की सेवा में रात दिन तत्पर हैं। बताते चलें, बहुत ही मेहनत के बाद भी जब काम नहीं हो पाया तो सूरज भान जी ने संबंधित अधिकारियों से बात की और उनसे काम करने का आग्रह किया। GNN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे क्षेत्रवासी और यहाँ के मेरे भाई बहन जब दुख तकलीफ में
और गंदा पानी पीने पे मजबूर हो और नाले भरे हुए हो और नाले का पानी मोटर में और टूटियों में आ रहा हो, तो ऐसे ही प्रेम विहार का मुझे पता चला कि प्रेम विहार में 6 महीने से पानी गंदा, पीने को मजबूर है जनता, और भाई वहाँ का नाला बंद पड़ा है और घरों में गंदे नाले का पानी जा रहा है और सड़क नीची पड़ी हुई है। इतना ही छोटा सा ही काम कराना था और उसके लिए 6 महीने लग गए। और ओमपाल भाई ने भी मेरे को बताया कि वहाँ की जनता ने उनको बताया कि हम 6 महीने से पीड़ित हो रखे हैं, गंदा पानी पीने में मजबूर हो रखे हैं, नरक में रहने में मजबूर हो रखे हैं, नाले हमारे बंद हो रखे हैं, ब्लॉक हो रखे हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी और तो उनको कहा भाई यहाँ पर काउंसलर है, MLA हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने हमारे कांग्रेस के काउंसलर को फ़ोन किया और ये हालात बताए, तो उन्होंने कोई उस पर का MLA का काम है और MLA से कहा तो PWD का काम है, PWD का बोला तो MCD का काम है। तो भाई ओमपाल भाई को भी वहाँ पर घुमाया गया, जिनको इतनी जानकारी है, नॉलेज है, जो समाज के लिए एक आईना है और समाज की बातें और गलियों की बातें हर एक जगह दिखाते रहते हैं और इतनी सेवा करते रहते हैं, उनकी भी बात ना सुनी गई। तो मैंने उनकी बात सुन के वहाँ पर मैं और मेरे साथ युवा और मेरी घरवाली रज्जो देवी, हमने जाके वहाँ मुआयना किया। मुआयने में देखा कि सच में वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं, 6 महीने से वो गंदा पानी पी रहे हैं, नाले का सड़ा हुआ बदबूदार और नाले भरे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मुआयना करने के बाद मैंने वहाँ पर PWD को बताया, उसके बाद मैं अपनी कुछ आदमी लेके गया, उनसे सफाई कराई। उसके बाद जब वो उनसे भी नहीं हुआ तो रोड तोड़ना पड़ेगा और जो उन्होंने जॉइंट दे रखा है प्लास्टिक के पाइप का और सीमेंट के पाइप का, उसमें ऊपर नीचे है, तो उसके लिए रोड की परमिशन है। और मेरे भाई मैं इस चीज़ को अभी दबाव डाला है PWD के ऊपर और मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ का काम जल्दी निमट जाएगा। मुझे खुशी हो रही है, मुझे अब खुशी हो रही है, मेरे भाई साफ और सुथरा पानी पिएंगे, उनको जल्द ही मिलेगा। अगर मैं इस क्षेत्र में यही जागरूकता लाना चाहता हूँ और समाज की सेवा इसी तरीके से करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कॉलोनी पहले भी मेरे मुद्दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनियाँ पहले बसी हुई है उनमें इतने घर हैं और ये नाले की और पानी की सुविधा दिल्ली सरकार नहीं दे सकती, तो नई कॉलोनियाँ अगर यहाँ पर और बसाई गई तो उनका नालों का पानी का बिजली की सुविधाएं पहले ही नहीं है, तो उनको कहाँ से मिलेगी। मैं सभी नेताओं को, मटियाला विधानसभा के 7 काउंसलर और MLA को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि बल्लू पहलवान एक बात कभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अपने क्षेत्र में, जो गंदा पानी नाले का 6 महीने से प्रेम विहार के क्षेत्रवासी पी रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसका खामियाजा सभी काउंसलर और MLA को, नेताओं को भुगतना पड़ेगा। मजबूर नहीं, मजबूत बनाने का पहलवान का वादा है, अपने भाइयों को मजबूत बनाने का ये मेरा एक बहुत ही बड़ा अभियान, और मैं अपने भाइयों को भिक्षा नहीं शिक्षा दिला के रहूँगा और मजबूर नहीं मजबूत बना के रहूँगा। मैं उन नेताओं को फिर कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि गंदा पानी पीने के लिए हम धरती पे नहीं आए, हम जानवर जो पानी नहीं पीता इंसान को पिलाया जा रहा है, नरक में रखने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है, ये जमीनी जो हकीकत है। और जो गरीब आदमी है उनकी आवाज़ अब दब के नहीं, अब उठ के चलेगी, पहलवान उसको लेके चलेगा बुलंदियों पे और उनको न्याय दिलाने के रहेगा। हमारा
कोयले की खान में और पत्थर की खानों में उतना ही हिस्सा है हर एक इंसान का जितना एक बड़े इंसान का है एक गरीब इंसान का। तो वो हक पहलवान दिला के रहेगा, ये झूठा आश्वासन खत्म करवा के रहेगा। और जो केजरीवाल जी ने अभी मुहिम भत्ता देने की वादा किया है उस वेबसाइट पे मेरे पास अभी जनता आ रही है तो उनसे 3000 रिश्वत लेके और उनका बेरोजगार भत्ता देने का आश्वासन इतना बड़ा बात की गई है। मैंने खुद वेबसाइट पे जाके एक दो भाई का काम कराने की लिए गया था तो वेबसाइट बिल्कुल स्लो है, उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी आप पे लालच है, आपने गरीब आदमी को गंदा पानी पीने पे भी और जीने पे मजबूर किया हुआ है। लेकिन जल्दी पहलवान शायद आपके घर के बाहर होगा बड़े धरने के साथ, अपने भाइयों के न्याय दिलाने के साथ। चाहे हम जिए भूखे मरे वहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं उठेंगे और काले झंडे लेके जाएंगे। हम अरेस्ट होने का भी तैयार है, हम जेल काटने का भी तैयार है, लेकिन गंदा पानी ना अपने भाइयों को पीने देंगे, ना जनता को पिलाने देंगे, ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। ये पहलवान का वादा है और ये वादा अटूट है, इसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। जय माँ भारती, जय संविधान। नंगली बाड़ प्रेम बिहार से कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली।